नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप क्रिएट यू पर और आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के महत्वपूर्ण कमांड यानी मेल मर्ज को विद इन 5 मिनट्स। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मेल मर्ज सीखेंगे। तो मेल मर्ज सीखने से पहले ज़रूरी है कि इसके में किस किस चीज़ की आवश्यकता है, तो ये हम जान लें। तो सबसे पहले यहाँ पर मेल मर्ज के लिए जो होता है, यह एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एमएस वर्ड में सेम प्रकार के लेटर अलग अलग एड्रेसेस पे भेजने के लिए। इसके बाद चलते हैं इसकी जो दूसरी फैसिलिटी है, वह है कि यह मतलब इसकी जो मेन फैसिलिटी, बेस फैसिलिटी आप समझ सकते हो कि यह अलग अलग लेटर्स या मैसेजेस को अलग अलग लोगों को भेजने के लिए एक लेटर प्रिंट कर सकते हैं इसकी मदद से। इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है वह डाटा फाइल और मेन फाइल। डाटा फाइल और मेन फाइल दोनों की मदद से ही हम इसे तैयार कर सकते हैं। और हम आपको सीधे ले चलते हैं हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट में, जहां हमने पहले से ही एक डाटा फाइल क्रिएट करके रखा है और इस डाटा फाइल को मैंने सेव करके भी ऑलरेडी रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डाटा फाइल क्रिएट कर लेना है अपने कंप्यूटर में। और ये डाटा फाइल जो है वह रो और कॉलम में होना चाहिए डिवाइड, तभी आप इस वर्क को कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने डाटा फाइल तैयार करना है। सपोज़ मैंने तैयार किया अभिषेक, रोल नंबर 1, क्लास 9, मार्क्स 435, ईयर 2018। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसके लिए तैयार कर लिया है एक डाटा, और ये टोटल 5 डाटा है इसके अंतर्गत, और इन 5 डाटा को मैंने सबसे पहले सेव कर लिया है। और फाइल को आप सेव करने के बाद आपका जो नेक्स्ट वर्क होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारे डाटास को हमने सेव कर लिया और अब हम चलते हैं नए फाइल में। तो नए फाइल में जाने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एन और अब हम यहाँ मैसेज टाइप करेंगे, सपोज़ मिस्टर। और अब आपको लाना है नाम, तो नाम के लिए आपको जाना होगा मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब में जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा सेलेक्ट रिसिपिएंट पे और यहाँ पर से आपको स्टार्ट मेल मर्ज पे, यहाँ से आपको लेटर पे क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट रिसिपिएंट पे आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको अपने डाटा फाइल को सेलेक्ट करना है। यहाँ से 3 लिस्ट आपको मिलेगी। पहली जो लिस्ट होगी वो होगी यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, टाइप न्यू लिस्ट। दूसरी होगी यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो टाइप न्यू लिस्ट में आप नया डाटा तैयार करिए और फिर आप मेल मर्ज का वर्क कीजिए। तो चूंकि मैंने यहाँ पर पहले से डाटा तैयार कर रखा है, तो इसलिए मैं सीधा क्लिक करूँगा यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट पे। और यहाँ से हम अपने फाइल को ब्राउज करेंगे, यानी कि डाटा फाइल के नाम से जो हमने सेव कर रखा था, तो हम सीधा उस फाइल को खोलेंगे। तो ये रहा मेरा डाटा फाइल और मैंने इसे ओपन कर लिया। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो जितने हिडन फीचर्स थे वो सारे अनहाइड हो जाएंगे, ठीक है। अनहाइड होने के बाद आपको क्या करना है, तो लाना है मिस्टर के बाद नाम, तो आप करेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम नेम ले आए, ठीक है। अब हम नेम के बाद यहाँ पर टाइप कर लेते हैं माय नेम, माय के बाद नाम दिखाएगा और उसके बाद योर रोल। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर दिखाना है रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर फिर लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो वापस से आएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे और रोल पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर रोल आ जाएगा। इसके बाद मिस्टर नेम, योर रोल नंबर इज रोल ऑफ क्लास। अब फिर क्लास के लिए हम क्लास यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे ऑब्टेंड और फिर मार्क्स हमको लेना है, तो फिर से आएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड में और यहाँ से हम मार्क्स पे सेलेक्ट करेंगे। तो मार्क्स को हम सेलेक्ट करेंगे तो ये मार्क्स आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं मार्क्स, यानी कि जितना मार्क्स होगा, जो 435 तो 435 मार्क्स है ना, और आउट ऑफ 500, ठीक है। तो 500 में इन एनुअल एग्जामिनेशन, और यहाँ पर हम ईयर डालेंगे, तो ईयर डालेंगे तो वापस हमको जाना होगा इंसर्ट मर्ज फील्ड में क्लिक करेंगे और ईयर के नाम पर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये सारा ईयर करेगा। तो अब फाइनली जब हम ये सब टाइप कर लेंगे तो हम करेंगे फिनिश मेल, फिनिश मर्ज ऑप्शन पे और यहाँ जाएंगे, तो यहाँ हमको क्लिक करना होगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। यहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। एक मिलेगा आपको ऑल का, फिर इसके बाद मिलेगा करेंट रिकॉर्ड और इसके बाद फ्रॉम। तो ऑल यानी कि सारे जितने भी डाटा है उन सभी को ही कन्वर्ट करेगा। करेंट रिकॉर्ड यानी कि आप जिस रिकॉर्ड में हैं उसको ही केवल कन्वर्ट करेगा। और फ्रॉम में आप जहाँ से जहाँ तक, जैसे सपोज मैंने 5 डाटा तैयार किया है और उन 5 डाटा में से मुझे केवल 3 ही जो है कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम उसके लिए फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने सारे को कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर ऑल पर क्लिक करूँगा, ठीक है। ऑल पर क्लिक किया मैंने और ओके,
ऑल पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक नया फाइल क्रिएट कर देगा जहां आपको सारा का सारा नाम मिल जाएगा। जैसे यहां पर दिया हुआ मिस्टर अभिषेक योर रोल नंबर इज वन ऑफ क्लास नाइन ऑब्टेंड 435 मार्क्स आउट ऑफ 500 इन एनुअल एग्जामिनेशन 2018। तो इसी तरीके से आगे भी दिया हुआ है, इसको देखते हैं हम दूसरे डाटा को। तो मिस्टर मंच है योर रोल नंबर इज टू ऑफ क्लास नाइन ऑब्टेंड 489 मार्क्स आउट ऑफ 500 इन एनुअल एग्जामिनेशन 2018। तो इसी तरीके से वहाँ पर जितना भी डाटा था, इन टोटल 5 डाटा से, तो ये पाँचों को क्या किया तो कन्वर्ट कर दिया मैसेज के फॉर्मेट में। तो यह एक बहुत ही आसान तरीका है मेल मर्ज का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे हमारे चैनल से हर रेगुलर अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।